हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लास 11 फर्स्ट लेक्चर, दैट इज ब्रिज कोर्स। बच्चों, ब्रिज कोर्स का मतलब क्या? ब्रिज कोर्स में आप क्या सीखोगे? फॉर एग्जांपल, देखो, ये एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग थी आपकी क्लास 10th की बिल्डिंग, एंड ये बिल्डिंग है आपके क्लास 11th की बिल्डिंग। इस 10th टू 11th की बिल्डिंग में अगर आपको जंप मारना है तो आपको किसकी जरूरत है? आप डायरेक्ट जंप मारोगे तो क्या हो जाएगा? गिर जाओगे। आपको एक क्या चाहिए? एक सपोर्ट चाहिए, एक ब्रिज चाहिए जो आपको क्या कर सके, इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग में जाने के लिए हेल्प कर सके। उस ब्रिज कोर्स में अपन का मतलब है, उस ब्रिज या उस सपोर्ट को अपन क्या बोलते हैं? ब्रिज कोर्स। यहाँ पर आप क्या पढ़ोगे? जो भी आपने 8th 9th 10th में केमिस्ट्री रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट आपने सीखे थे उसको हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे और उसी के एडवांस लेवल पे जा करके फिर अपन 11th के चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ वेरी वेरी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है क्लास 11th में। अब स्वागत के बाद देखते हैं 11th और 12th में क्या क्लास 10th और 11th 12th की साइंस या इन स्टैंडर्ड वाइज क्या डिफरेंस है। देखो बेटा, ये आपका था क्लास 10th का मार्क्स एंड ये है क्लास 11th का मार्क्स। तो दोनों में क्या है? जमीन आसमान का फर्क है। तो दोनों के बीच में आपको क्या है? काफी डिफरेंस है। तो इसलिए 11th 12th में आपको क्या है? काफी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। ये है आपके क्लास 10th की साइंस एंड दिस इज यू, एंड ये आपकी क्लास 11th 12th की साइंस। तो देखो, 10th की साइंस ऐसी थी जो आप एक दो दिन में पढ़ करके खत्म कर सकते थे, बट 11th 12th की साइंस के में क्या है? जमीन आसमान का फर्क है। इट्स वेरी, उसमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, बहुत ज्यादा डेडिकेट होकर पढ़ने की जरूरत है। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर है, आप इसे ध्यान रखोगे। नेक्स्ट, एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि हाउ मेनी आवर्स शुड आई स्टडी अ डे, मैं हर दिन कितने घंटे पढूं। बेटा, ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं। आप जितने घंटे पढ़ सकते हो, वॉट एवर टाइम यू कैन डिवोट फॉर द स्टडी, दैट इज द बेस्ट फॉर यू। नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। सो आप भी अपने आसपास में देखते रहोगे, एज अ टीचर हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखे। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हर एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक बार पढ़ा याद हो गया तो समझ। कुछ ऐसे जो एक बार पढ़ते हैं, दो बार पढ़ते हैं, कुछ कुछ चीजें याद होती हैं, कुछ भूल जाती हैं। तो कुछ तो ऐसे कि क्या चल रहा है भाई क्लास में, समझ में नहीं आ रहा है। तो एक पढ़ाकू टाइप है, लवर्स टाइप है जो क्लास में आता है। एक है क्लास कब खत्म होगी, खत्म हो हम लोग निकले घर पे, इस टाइप की थिंकिंग में रहते हैं। तो अगर आप पढ़ाकू कैटेगरी में या ओ आई नो दिस वाली कैटेगरी में हो, देन यू आर गुड टू गो फॉर व्हाट जेईई मेंस एंड एडवांस। देन नेक्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कि आपके पास एनर्जी बहुत होनी चाहिए, क्योंकि आप 4 से 5 घंटे का लेक्चर क्लास में बैठोगे, उसके बाद घर पे जाके आपको और 7 से 8 घंटे पढ़ना है। तो यू शुड हैव अ वेरी हाई एनर्जी टू डील विद दीज हेक्टिक शेड्यूल्स। ऐसा नहीं कि आप 2 से 3 घंटे लेक्चर बैठने के बाद आप ये बोलने लगे ओ व्हाट अ बिजी डे, एंड ऐसे सब अगर आप करते हो गूगल वगैरह करके, जय माता दी करके आंसर देना, तो बाद में क्या हो जाएगा? आप इस तरीके से रोते रहोगे। सो डेडिकेट होना, एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ पढ़ना, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना, ये सारी क्वालिटीज आप अपने अंदर डालने की कोशिश कर दो। फिर एक होती है स्टडिंग टेक्निक। व्हाट इज स्टडिंग टेक्निक? ये बहुत ही फेमस टेक्निक है, उसको कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। ये टेक्निक क्या कहती है कि एक बार में आप 25 मिनट के लिए पढ़ो, कितने मिनट के लिए? 25 मिनट। फिर आप एक 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले लो, फिर से 25 मिनट के लिए पढ़ो, फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले लो, ऐसे 25 5 25 5 करके आप एक 4 साइकिल पूरा करो। उसके बाद क्या करो, एक बड़ा सा ब्रेक लो और इसको फिर से कंटिन्यू करो। दिस इज द बेस्ट टेक्निक, इज द बेस्ट टेक्निक्स टू स्टडी। अगर आपके पास अच्छी हैबिट नहीं है पढ़ने की, डेवलप करने की, तो आप इस हैबिट से बहुत इजीली क्या कर सकते हो? डेवलप कर सकते हो। फिर और बेहतर चीजों को याद करने के लिए आप क्या बना सकते हो? फ्लैश कार्ड्स बनाओ, मेमोरी मैप्स बनाओ, बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, विजुअलाइजेशन की टेंडेंसी बढ़ाओ। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नोट्स। आपके पास बेसिकली 2 नोट्स लगे, आपके 2 नोटबुक होंगे, होने चाहिए। प्रिसाइसली मैं बात करूं, एक नोटबुक एक किस लिए होगा? फॉर द क्लास पर, एंड दूसरा पार्ट होगा फॉर द होमवर्क। क्लास वर्क के बुक में आप क्लास के सारे नोट्स लिखोगे,
क्लास की क्वेश्चन सॉल्व करोगे, होमवर्क वाले क्वेश्चंस में आप डीपीपीस लगाओगे, डीबीपीस लगाओगे, इसमें आप मॉड्यूल सॉल्व करोगे, फिर पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, सारी चीजें आप होमवर्क वाले बुक्स में करोगे, राइट। नेक्स्ट आता है लिमिट स्क्रीन टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये भाई, आपकी जिंदगी में अब तो बहुत स्क्रीन टाइम आपने यूज किया पिछले 3-4 सालों में, अब उसे आपको क्या करना है, कम करना है। कम करने का मतलब बिल्कुल उसे क्या करना है, लिस्ट पे लेके आना है। आप जितना अपना स्क्रीन टाइम कम रखोगे उतनी आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी ज्यादा। आप इस डायग्राम को देखो कि पहले आपकी जिंदगी में आप और आपकी पढ़ाई थी, फिर आपकी जिंदगी में कौन आया, फोन। जैसे मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, स्नैपचैट आ गया, तो आपकी मोहब्बत किससे हो गई, उस मोबाइल से हो गई, और पढ़ाई आपकी जिंदगी से क्या हो चुकी है, गायब हो चुकी है। उसे फिर से लाने के लिए आपको स्क्रीन टाइम को क्या करना है, जितना हो सके मैक्सिमम क्या करना है, मिनिमाइज करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिजाइनिंग अ टाइम टेबल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप जोश जोश में, अगर एक दिन लेक्चर बैठा टीचर ने बहुत जोश भर दिया आपके अंदर, तो जोश में आप एक ही दिन क्या करो, पूरे महीने भर का 2 महीने का टाइम टेबल बना लिया, वो एक भी दिन फॉलो नहीं होता। तो आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ। रियलिस्टिक टाइम टेबल का मतलब क्या है, रियलिस्टिक टाइम टेबल का मतलब आप पहले एक दिन का बनाओ, उसे फॉलो करने की कोशिश करो, फिर और एक दिन का बनाओ, फिर डे वाइज करो या सेशन वाइज करो, ताकि आप इजिली क्या कर सको, उसे फॉलो कर सको। क्योंकि फॉलो नहीं होने के बाद जो रिग्रेट होता है, उस रिग्रेट में आपकी काफी टाइम क्या होते हैं, वेस्ट हो जाते। नेक्स्ट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इज हेल्थी डाइट। अब हेल्थी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, अगले 2 साल तक आपको बीमार पड़ने नहीं होना चाहिए, बीमार नहीं पड़ना है रीजन, ऐसा मतलब इसको रोक नहीं सकते, बट आपको खुद से बीमार होने के जो भी रीजंस हैं वो नहीं ढूंढने। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी डाइट अच्छी होगी तो क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, इम्यूनिटी अच्छी होगी तो इलनेस के चांसेस क्या रहेंगे, कम रहेंगे, वरना क्या हो जाएगा, का विकास रुक जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज गिविंग अस व्हाट, सेल्फ रिवॉर्ड। व्हेनेवर जब भी आप अचीव करो, आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आपने जो टारगेट रखा था वो आपने अचीव किया, तो उसको आप क्या करो, खुद से सेल्फ रिवॉर्ड करो, ताकि आप आपको क्या हो जाए, एक माइंड रिफ्रेश हो, रिफ्रेशमेंट आए। फिर हम बुक्स की बात करें तो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बुक की बात करें, तो ये एनसीईआरटी की जो चारों बुक्स, ये बुक्स क्या है, कंपल्सरी बुक्स है। इस फोर बुक्स आर व्हाट, कंपल्सरी, ये चारों बुक्स आपको अपने पास रखनी है। इसके अलावा कुछ बुक्स क्लास में हम बोलेंगे आपको लेने के लिए, बट जब जरूरत पड़ेगी तो आपका बिहेवियर या ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपने इतने सारे बुक्स कबोर्ड में कर दिए और पूरे साल में आपने यूज कुछ में कुछ बेसिकली कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट आता है ऑप्शनल क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक, तो जो भी आपको क्लास में प्रोवाइड की जाएगी मटेरियल्स, प्रैक्टिस शीट्स, उसके अलावा आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए क्या यूज कर सकते हो, यू कैन यूज नरेंद्र अवस्थी इन फिजिकल केमिस्ट्री, यू कैन यूज वीके जायसवाल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू कैन यूज MS चौहान इन व्हाट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है। तो ऑप्शनल थियोरी बुक्स की बात करेंगे, तो इसकी खैर ऐसे बहुत कोई जरूरत नहीं है, स्टिल किसी को कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना होता है तो इन बुक्स की यूज करते हैं, बट इसे कोई जरूरत नहीं है। सो जैसे मैंने बोला, सबसे पहले आपको क्या करना है, नोट्स, शॉर्ट नोट्स, होमवर्क, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, टेस्ट एनालिसिस, मॉड्यूल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और लास्ट में एनसीईआरटी पढ़नी। ये सारे पार्ट्स करने के बाद देन यू हैव टू मूव टू व्हाट, जो भी कुछ एक्स्ट्रा आपको एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह रेफर करना है उस तरफ। फिर आपके मन में आगे चल के बहुत सारे सवाल आए, उस सवालों के कुछ जवाब की बात करना। एक सवाल आपके मन में बहुत आगे चलकर आएगा, या आपको बहुत जगहों से ये सवाल आपके मन में डाला जाएगा, सवाल ये है कि सर प्रीवियस ईयर के टॉपर्स का नोट्स रेफर करूँ क्या। बेटा ये बिल्कुल क्या है, बकवास, आप इसे बंद कर।
नोट्स अच्छा आपका खुद का बनाया हुआ होता है, प्रीवियस ईयर के टॉपर्स का नोट्स यूज करो, किसी और दोस्त का नोट्स यूज करो, वो सब फालतू चीजें, आप अपनी नोट्स अच्छी बनाओ, उससे आपका प्रोग्रेस क्या होगा, ज्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट होता है मोटिवेशन वर्सेस डेडिकेशन। याद रखो, रिमेम्बर, इट्स वॉट, इट्स अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। ये क्या है, एक दिन दौड़कर जीतने वाली रेस नहीं है, ये हर दिन आपको उतना ही एफिशिएंसी से हर दिन आपको दौड़नी है, तो हर दिन एक दौड़ने वाली रेस, इट्स अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। एक दिन में आप जीत नहीं पाओ, हर दिन आपको उतनी एफिशिएंसी से, उतना ही डेडिकेशन से, उतनी ही पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, देन यू विल विन इट। सो इसके लिए एक ही मूल मंत्र है, क्या, बी पेशेंट, बी कंसिस्टेंट, ग्राइंड हार्ड एवरी सिंगल डे। एंड क्वेश्चन आता है, सर क्या हमसे ये सब हो पाएगा, क्या हमसे ये जेई नीड वगैरह हो पाएगा? बिल्कुल, अगर आप एक प्रॉपर कंसंट्रेशन में हो, एक उस कंसंट्रेशन के मोड में हो जहां से, डू इट। अगर आप उस कंसंट्रेशन में नहीं हो, देन इट इज डिफिकल्ट फॉर यू। सवाल है, क्या एडवांस के सेशन भी होंगे? बिल्कुल, अगर आप, इफ यू आर एलिजिबल, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, देन वी विल स्पेशली टेक व्हाट योर एडवांस सेशन। सो सर होमवर्क में क्या टाइप के क्वेश्चंस होंगे? बिल्कुल, होमवर्क में जो भी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत काफी अच्छी क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं, और वो सारे क्वेश्चंस क्या करने हैं आपको, करने हैं। क्लास वर्क के सारे क्वेश्चंस भी क्या करने हैं आपको, नोट्स में लिखने हैं। वैसे तो इस सवाल का कोई मीनिंग नहीं है, सवाल ऐसा है कि सर आप बाद में भी क्या इतने फनी तरीके से पढ़ोगे? तो बेटा बाद में आपका क्या बिहेवियर होगा, उस पे मेरा ही बिहेवियर डिपेंड करेगा। एंड कुछ सीनियर्स कहते हैं, सर कि जेई नीड में क्या करो, फॉर्मूलेस रट लो, आपके सवाल क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। बेटा ये मजाक नहीं, ये जेई है, मजाक नहीं है, ये नीट है, मजाक नहीं है। इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ के उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना इम्पोर्टेंट। चलो, तो ये कुछ बातें इम्पोर्टेंट थी। अब आगे अपन कुछ ब्रिज कोर्स यानी कुछ चैप्टर्स के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि केमिस्ट्री क्या है, वॉट डू यू मीन बाई केमिस्ट्री? अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, तो आपके अलग अलग व्यूज हो सकते हैं, बहुत सारे डेफिनेशन बन सकते हैं इसके, बट सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या है, स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स कंपोजिशन, ऑफ मैटर एंड इट्स कंपोजिशन, स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इज कॉल्ड एज व्हाट, केमिस्ट्री। मैटर को पढ़ना, उसके कंपोजिशन को पढ़ना, एंड इंटरैक्शन ऑफ वन मैटर विथ अदर, ऑफ वन मैटर विथ अदर। तो मैटर के बारे में पढ़ना, से कंपोजिशंस के बारे में पढ़ना, और एक मैटर जब दूसरे से इंटरैक्ट होगा तो क्या हो सकता है, इसके बारे में डिस्कस करना, इसको अपन क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। इज इट क्लियर? अब कितने टाइप्स की है? सो बेसिकली केमिस्ट्री को अपन चार पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला है क्या, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फर्स्ट इज फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, जिसमें हम लॉस के बारे में बात करते हैं, प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं, डेरिवेशंस के बारे में बात करते हैं, न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं। तो जितनी भी केमिस्ट्री रिलेटेड हिस्ट्री की पार्ट है, जहां पर बहुत सारे लॉस डिस्कवर हुए, फेल हुए, थियरीज डिस्कवर हुई, फेल हुई, फिर जहां पर बहुत सारे कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है, यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज आ जाएगा, न्यूमेरिकल्स आ जाएगा, यूनिट्स आ जाएगा, डायमेंशंस आ जाएगा,
इन सभी पार्ट्स को अपन क्या बोलते हैं, पार्ट इज कॉल्ड एज फिजिकल केमिस्ट्री. इज इट क्लियर? देन लेट्स मूव टुवर्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री. एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब क्या, ये केमिस्ट्री का वो पार्ट है जहां पर हम क्या करेंगे, जहां पर वी परफॉर्म व्हाट, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्या परफॉर्म करेंगे? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्या होता है ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस? हम बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स लैब में प्रिपेयर करते हैं. फॉर एग्जांपल ले लो, मैंने एक एस्पिरिन नाम का एक ड्रग होता है जो पैरासिटामोल में यूज होता है. नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे इसके बारे में. इसको हमने लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया, प्रिपेयर करने के बाद ठीक है हमने बना लिया इसको, बट हमें टेस्ट करना है इसके बारे में, क्या ये जो बना है इसकी क्वालिटी कैसी है. इसके इसलिए उसके अपने अपने को उसे क्या करना पड़ेगा, उसका कंफर्मेटरी टेस्ट डिजाइन करना पड़ेगा. बहुत सारे कंफर्मेशंस के उसके बहुत सारे टेस्ट करने पड़ेंगे, ताकि किस लिए करना है ये, सो दैट कि उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, वो सही कॉन्सेंट्रेशन होते जितने भी इंग्रीडियंट्स या रॉ मटेरियल्स या केमिकल्स है वो मिक्स है या नहीं है. अदरवाइज इट कैन कॉज व्हाट, लॉट ऑफ डेंजर. ह्यूमन लाइफ को बहुत डेंजर पहुंचा सकती है. एक बार वो रोल आउट हो गया मार्केट में तो क्या होगा, उससे बहुत सारे मिसहैप्स हो सकते हैं. तो जहां पर उस क्वालिटी की टेस्ट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, पार्ट इज कॉल्ड एज क्वालिटेटिव एनालिसिस. फिर क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब उसमें जितने अमाउंट में जिस मटेरियल को हमने ऐड किया था उसका टेस्ट करना, या फिर हमने ऐड करने के बाद हमको किस अमाउंट में प्रोडक्ट मिला, प्रोडक्ट का यील्ड का परसेंटेज क्या था, जहां पर उसका एनालिसिस करेंगे उसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्या बोलेंगे? क्वांटिटेटिव एनालिसिस. सो केमिस्ट्री का वो पार्ट जहां पर अपन क्या करते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करते हैं, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, एनालिटिकल केमिस्ट्री. नेक्स्ट पार्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. नाउ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या, द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री वेयर वी डू व्हाट, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री वेयर वी डील विद डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. डिटेल्ड एनालिसिस का मतलब क्या, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के इंटरेक्शन से कंपाउंड बनेगा. अब वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है, एलिमेंट्स वो मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, मेटलॉइड्स है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके एनालिसिस करना. फिर एलिमेंट्स के मिक्सचर से क्या बनेगा, कंपाउंड्स बनेगा, कंपाउंड्स को बनाने के कितने प्रोसेस हैं, कंपाउंड से हम क्या क्या बना सकते हैं, जहां इन सब चीजों को डिस्कस करते हैं, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. थर्ड इज व्हाट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, दैट इज व्हाट, हाइड्रोकार्बन्स. केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स यानी क्या, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. तो द कंपाउंड, जिस कंपाउंड्स के अंदर आपको कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट मिलेंगे, उस कंपाउंड को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन. कंपाउंड विच हैज व्हाट, कार्बन एंड हाइड्रोजन बोथ इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन. और जहां पर अपन हाइड्रोकार्बन के बारे में स्टडी करते हैं उस पार्ट को अपन बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, उस पार्ट को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल देखो, हमारे पास कई सारे कंपाउंड, CO2 है, CaCO3 है, HCl है. ये सारे कंपाउंड कैसे इनऑर्गेनिक, देखो कार्बन इन दोनों कंपाउंड में है, बट कार्बन ओनली प्रेजेंस ऑफ कार्बन डजंट कंसिडर्ड एज व्हाट, ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक का मतलब उसमें कार्बन के साथ साथ में और क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए. तो CH4, CH3COH, C2H5, ये सारे NH2C, इसमें सभी कंपाउंड्स में देखो कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है, इसलिए इन कंपाउंड्स को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब हमने स्टार्टिंग में बात किसकी की थी, मैटर की. केमिस्ट्री क्या होती है, इट्स अ स्टडी ऑफ मैटर. नाउ व्हाट इज अ मैटर, मैटर क्या है, एनीथिंग दैट हैज व्हाट, मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. दुनिया की हर वो चीज जिसके पास क्या होती है, मास, जो क्या ऑक्यूपाई करती है, कुछ स्पेस, उसको अपन क्या बोलते हैं, मैटर. और ये मैटर फर्दर क्लासिफाई होता है दो कैटेगरीज में, पहला है इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन. फिजिकल क्लासिफिकेशन इसके में तीन पार्ट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. फिजिकल
फिजिकली क्लासिफाइड इन थी कैटेगरीज एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड का मतलब क्या, जिसके पास क्या रहेगा, डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम. ऐसा मैटर जिसके पास क्या होता है, एक परफेक्ट शेप होगा, वॉल्यूम होगा, सो क्या बोलेंगे. और इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, एकदम क्लोज टू ईच अदर. मैं अगर फनी लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड, ये टाइप का डिजाइन होता है इसके. लिक्विड मतलब क्या, इसके पास कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता, इसको अपन जिस कंपाउंड में डालेंगे, उस जिस वेसल में डालेंगे, उसका ये क्या ले लेगा, वॉल्यूम ले लेगा. और इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, दे आर मॉडरेटली फार अवे फ्रॉम ईच अदर, कुछ दूरियों पे होते हैं. मतलब तू मेरा दोस्त है, मैं तेरा दोस्त हूँ, ये टाइप की दोस्ती होती है. गैसेस के पास ना तो कोई फिक्स शेप है, ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम है. यहाँ पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत दूर दूर एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं. तो यहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या बोलेंगे, तू कौन है मैं नहीं जानता, मैं कौन है तू नहीं जानता, राइट. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में, मैटर के हम केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं. केमिकल क्लासिफिकेशन दो पार्ट की होती है, पहली है क्या, मिक्सचर, दूसरी क्या है, प्योर सब्सटेंस. फर्स्ट क्या है, मिक्सचर, दूसरा क्या है, प्योर सब्सटेंस. मिक्सचर का मतलब क्या, जहां पर मिक्सचर का मतलब जहां पर कंपोजिशन जो है कंपोनेंट्स का, वो क्या होता है, वेरिएबल होता है. कंपोनेंट क्या होता है, वेरिएबल होता है. और प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या, यहाँ पर जो कंपोनेंट्स है उसका जो प्रपोर्शन है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है. यहाँ पर क्या होगा, फिक्स्ड कंपोजिशन होगा, यहाँ पर क्या होगा, वेरिएबल कंपोजिशन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पर, हम नींबू पानी पीते हैं, हम नींबू पानी कैसे मांगते हैं, बोलते हैं भैया एक नींबू पानी ले, बराबर. आप नेक्स्ट टाइम नींबू पानी के वाले के पास जाना, उससे ऐसे कहना, भैया एक नींबू पानी दो, बट उसके अंदर ना आप 5 ml नींबू डाल देना, नींबू का 5 ml नींबू डालना, और उसके अंदर 10 ग्राम जो है, 10 ग्राम सॉल्ट डाल देना. क्या ऐसे मांग सकते हैं, मांग के देखो आप, बराबर. तो क्या एक्सपीरियंस रहेगा, हम क्लास में डिस्कस करेंगे इसके बारे में. तो बेसिकली मिक्सचर का मतलब, इसमें आप किसी भी अमाउंट में कोई भी सब्सटेंस को मिक्स कर सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रपोर्शन फिक्स नहीं होता. प्योर सब्सटेंस में तब प्रपोर्शन क्या रहेगा, फिक्स रहेगा. मतलब जैसे मैंने बोला, वाटर है मेरे पास, पानी, बराबर. तो पानी आप चाहे भाईंदर की खाड़ी से लो, पानी चाहे आप वेल से लो, पानी चाहे आप रेन वाटर लो या BMC का वाटर लो, हर पानी हर पानी के सैंपल के अंदर, उसका अगर मैंने एक वो हाइड्रोजन दिखेगा, एक ऑक्सीजन दिखेगा, हर वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर आपको ये बात समझ में. अब नाउ मिक्सचर इज फर्दर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज एज व्हाट, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटरोजीनियस मिक्सचर. मिक्सचर्स को अपन दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे एज होमोजीनियस एंड हेटरोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, वो मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट्स, ओके एक एग्जांपल लेते हैं फिर शायद बेटर आपको क्लियर होगा. होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, मान लो मैंने क्या मिक्स किया, सॉल्ट और वाटर, मैंने सॉल्ट और वाटर को मिक्स किया. तो सॉल्ट और वाटर मिक्स होने के बाद अगर मैंने उस ग्लास को आपके सामने रखा,
मैंने पूछा, इस ग्लास में देख करके बताओ, क्या नमक और पानी को अलग-अलग आपको देख सकते हैं? सॉल्ट एंड वाटर के मिक्सचर में क्या नमक और वाटर, सॉल्ट और वाटर दोनों को अलग-अलग तरीके से हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि सॉल्ट क्या हो चुका है, सॉल्ट उस वाटर के अंदर डिजोल्व हो चुका है, और डिजोल्व होके उसने क्या बना लिया है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया। तो ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर, और दोनों का जो फेज है, फेज मतलब क्या, स्टेट, दोनों का फेज क्या हो चुका है, वो यूनिफॉर्म हो चुका है, दोनों का फेज यूनिफॉर्म हो चुका है। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक यूनिफॉर्म फेज में आ जाते हैं, उस मिक्सचर को अपन क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर ले लो, मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर ले लो, बाकी जो जिंदगी का मजा वाला मिक्सचर है, अल्कोहल एंड वाटर, ये सारे मिक्सचर्स कैसे टाइप के मिक्सचर्स हैं, दे आर व्हाट, होमोजेनियस मिक्सचर। नेक्स्ट, हेटरोजेनियस मिक्सचर की बात करें, तो वाटर हेटरोजेनियस मिक्सचर है। मान लो मैंने पानी में क्या डाल दिया, सैंड, रेत, उसको मैंने स्टर भी किया, स्टिर करने के बाद भी अपने को जो बॉटम सरफेस पे क्या जमा हुआ दिखेगा, सैंड, और उसके ऊपर के लेयर में क्या दिखेगा, वाटर, यानी लिक वाटर और सैंड दोनों की क्या दिखेंगे, डिफरेंट लेयर्स दिखेंगे, मतलब इसमें दोनों मिक्स, दोनों कंपोनेंट्स क्या है, डिफरेंट फेज में है, किसमें है, डिफरेंट डिफरेंट फेज में है। ऐसा मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स डिफरेंट फेज में होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। द मिक्सचर्स इन विच टू और मोर कंपोनेंट्स आर इन व्हाट डिफरेंट फेज इज कॉल्ड एज व्हाट, हेटरोजीनियस। क्लियर है? होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे? होमोजीनियस मिक्सचर में अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो एग्जांपल एक होगा सॉल्ट प्लस वाटर, हेटरोजीनियस में आ जाएगा सैंड प्लस वाटर, या फिर आप बोल सकते हो ऑयल प्लस वाटर, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस दो पार्ट में क्लासिफाई होता है, फर्स्ट पार्ट इज व्हाट, एलिमेंट, सेकंड पार्ट इज व्हाट, कंपाउंड। एलिमेंट्स मतलब जो क्या, टोटल पीरियोडिक टेबल में क्या 118 एलिमेंट्स हैं, यही एलिमेंट्स व्हेन टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन व्हिच विद ईच अदर वी कॉल इट एज व्हाट, कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH, सब क्या हो गए आपके, कंपाउंड्स हो गए। एलिमेंट्स की बात करेंगे तो एलिमेंट्स क्या क्या है, बहुत सारे एलिमेंट्स है, कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सारे क्या है, एलिमेंट्स। नेक्स्ट पार्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हमने मैटर के बारे में पढ़ा, कितने टाइप्स का होता है वो पढ़ा, अब मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मतलब क्या, मैटर के पास दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक उसकी प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी एंड दूसरी है केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, द प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंसेस। इसका मतलब क्या, कि वो प्रॉपर्टी जिसे मेजर करने के लिए या जिसे मैं मेजर करूं, मुझे ऐसी प्रॉपर्टी जिसे मेजर करने के लिए
उस कंपोनेंट की ओरिजिनल आइडेंटिटी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल वाटर, जैसे कि मैं कलर मेजर कर रहा हूँ किसी चीज का, मेल्टिंग पॉइंट मेजर कर रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट मेजर कर रहा हूँ, डेंसिटी मेजर कर रहा हूँ, तो इन सभी को मेजर करने के लिए मुझे, जैसे मैंने वाटर का ये इन सारी प्रॉपर्टीज को मेजर किया, कलर कलरलेस होगा, मेल्टिंग पॉइंट मतलब मैंने आइस का, आइस की बेसिकली बात कर, तो आइस की मेल्टिंग पॉइंट चेक करते समय आइस मेल्ट होके क्या होगा, सॉलिड से क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। तो क्या ऐसा हो जाता है कि आइस सॉलिड से लिक्विड बनते समय उसमें H2O ना रह जाए, H2O में आइस था और लिक्विड में H2O ना होगा, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों के अंदर आइडेंटिटी दोनों की क्या होगी, सेम ही होगी, वो सॉलिड के फॉर्म में भी H2O था और लिक्विड के फॉर्म में भी क्या रहेगा, H2O ही रहेगा। बॉइलिंग पॉइंट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, वाटर को बॉइल कर रहा हूँ, वाटर बॉइल होकर क्या बनेगा, वेपर्स बनेगा, वाटर बॉइल होकर के वेपर्स बनेगा। तो वाटर जब बॉइल होकर के वेपर्स बन रहा है, वाटर जब बॉइल होकर वेपर्स बन रहा है, क्या ऐसा है कि वेपर्स में H2O ना रहेगा, वेपर्स की फॉर्म में H2O ना होकर के कुछ और बन जाएगा, नहीं हो सकता, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसे मेजर कर, जिसमें हमें क्या होती है, जिसमें उसका मैं आइडेंटिटी या कंपोजिशन चेंज नहीं करता, उसको अपन क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड ओनली बाय व्हाट, केमिकल रिएक्शन। जिस प्रॉपर्टी को हम किसके मेजर करते हैं, केमिकल रिएक्शन से मेजर करते हैं। केमिकल रिएक्शन से मेजर करने का मतलब, जैसे मैंने क्या किया, मेरे पास बेसिक एग्जांपल इन जनरल, अब बायोकेमिकल रिएक्शंस आपने बहुत सारे घर पे देखे, राइपनिंग ऑफ फ्रूट एक केमिकल चेंज है, तो यहाँ पर जो कुछ चेंज हुआ वो किससे हुआ, केमिकल प्रॉपर्टी है वो। मैंने मैग्नीशियम के रिबन को जला दिया, जलाने के बाद क्या वो मैग्नीशियम उसके अंदर बचा है, जलाने के बाद जो ऐश कलेक्ट होता है क्या उसके अंदर मैग्नीशियम बचा है, नहीं बचा, क्यों, जो ऐश बचा उसमें क्या आ जाएगा, उसमें MgO आ जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब उसके अंदर ऐश बचा नहीं है, तो क्या होगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो ऐसी प्रॉपर्टी जहां पर ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ तक की पॉइंट आपको क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज को बेसिकली आप केमिकल रिएक्शन के टर्म्स में देखोगे, बट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसका क्या होता है, उसका एक पर्टिकुलर मेजरमेंट करना पड़ेगा कि कितना कलर चेंज हुआ, कितने इंटेंसिटी से चेंज हुआ, कितनी मेल्टिंग पॉइंट है, कितनी बॉइलिंग पॉइंट है, साइज क्या है, मास क्या है, जो वो मेजरमेंट वाला पार्ट, उस मेजरमेंट के लिए अपन अपने को क्या लगेगा, एक स्पेसिफिक रेफरेंस लगेगा, उस रेफरेंस को अपन क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, आ स्पेसिफिक रेफरेंस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एज व्हाट। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मुझे एक लेंथ मेजर करना है एक रूम का, तो उस रूम का लेंथ मान लो कितना है, 6 मीटर, इसमें 6 क्या हो जाएगा, एक मैग्नीट्यूड है और मीटर इज स्पेसिफिक रेफरेंस जिसको यूज करके मैं क्या कर रहा हूँ, इस रूम का लेंथ बताने का। इज इट क्लियर, नाउ यूनिट क्या है, यूनिट इज व्हाट, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू मेजर और एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट इज व्हाट, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस, यूनिट क्या है, एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है जिसे यूज करके हम क्या करते हैं, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करते हैं। एसआई सिस्टम के पास क्या होते हैं, 7 बेसिक यूनिट्स होते हैं, तो टोटल जो इंटरनेशनल यूनिट टोटल कितने हैं, 7 है, बराबर। उसके बाद जितने भी यूनिट्स है वो सब को अपन क्या बोलते हैं, डिराइव यूनिट्स। तो 7 बेसिक यूनिट्स क्या है, पहला है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेस, इंटेंसिटी। तो लेंथ के लिए सिंबल अपन क्या यूज करेंगे, स्मॉल एल, उसका यूनिट का नेम क्या है, मीटर, सिंबल क्या है, स्मॉल एल।
मास के लिए एम, किलोग्राम केजी, इस तरीके से। तो ये जितने भी, ये जो 7 यूनिट्स है इसको अपन क्या बोलते हैं, 7 बेसिक यूनिट्स या फिर एसआई यूनिट्स। इसके बाद जितने भी यूनिट्स है वो सब क्या है, डिराइव डिराइव यूनिट्स। फॉर एग्जांपल एरिया, व्हाट इज एरिया, एरिया इज इक्वल्स टू व्हाट, लेंथ स्क्वायर, या फिर एरिया आप बोल सकते हो लेंथ इनटू ब्रेथ। रेक्टेंगल की बात करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ इसका स्क्वायर का लेंथ स्क्वायर, या सर्कल का पाई आर, लेंथ का लग रहा है यानी मीटर का लग रहा है, उसके लिए क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। डिराइव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या है, केजी, वॉल्यूम क्या है, मीटर क्यूब, यूनिट क्या हो जाए, केजी पर मीटर, सबको क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, मास एंड वेट, पार्ट इज मास एंड वेट। सो मास क्या होता है बेसिकली, मास ऑफ अ सब्सटेंस इज व्हाट, इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट किसी भी बॉडी के अंदर, कितना मैटर प्रेजेंट है किसी भी बॉडी के अंदर, कितने अमाउंट में मैटर प्रेजेंट है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं उसका मास। और कोई भी बॉडी किसी फोर्स क्या होता है, वेट इज व्हाट, फोर्स एग्जर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, बराबर। फोर्स कितना, अब बेसिकली देखो फोर्स में मतलब मास के वैल्यूज में अगर आप क्या कर दोगे, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वेट मिल जाएगा। बट इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मास एंड वेट क्या है, सेम चीज है। रीजन, यहाँ के सारे एक्सपेरिमेंट्स आप हम किसमें करते हैं, लैब में करते हैं। लैब कहाँ है, अर्थ पे है। तो अर्थ के सरफेस पे है, जो अगर हम मास और वेट के बारे में बात करें तो सेम है। जैसे ही हम किस पर जाएंगे, एटमोस्फेयर में, जितना अपर सर्फेस में जाएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगी, ग्रेविटी का वैल्यू लगेगा, वहां पर मास और वेट में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। बट अर्थ के सरफेस पे मास और वेट क्या है, ऑलमोस्ट सेम चीज है, इसमें बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं। मास का एसआई यूनिट क्या है, केजी है। तो केमिस्ट्री में आप मास बोलो या वेट बोलो, दोनों क्या है, ऑल टुगेदर दोनों सेम ही चीज है। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय व्हाट, सब्सटेंस। यूनिट क्या है इसका, लेंथ। वॉल्यूम का मतलब क्या, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इसका वॉल्यूम बोलते हैं। इन एसआई सिस्टम व्हाट, वॉल्यूम हैज यूनिट व्हाट, मीटर क्यूब। एसआई सिस्टम में किसी वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट कन्वर्जन जो आपको याद होनी चाहिए, पहला कन्वर्जन देखो, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। मीटर से आप डेसीमीटर में जाओगे किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जाओगे किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। सेंटीमीटर से डेसीमीटर में आओगे किससे डिवाइड करना है, 10 से। डेसीमीटर से मीटर में आओगे किससे डिवाइड करना है, 10 से। तो ये क्या हो गया, लेंथ वाइज क्या है ये कन्वर्जन चार्ट है, लेंथ वाइज ये कन्वर्जन चार्ट है। और मैं वॉल्यूम वाइज बात करूं तो ये जो चार्ट है, सेम चीजों में क्या करना है आपको, 10^3 कर देना है। तो मीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में क्या होगा, 10^3। डेसीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा, 10^3। सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में क्या होगा, डिवाइड बाय 10^3। और डेसीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में क्या होगा, डिवाइड बाय 10^3। तो ये चार्ट किसके लिए है, दिस चार्ट इज फॉर द कन्वर्जन बिटवीन सेंटीमीटर। और ये दोनों स्पेशली ये वाला आपको वॉल्यूम में बहुत बार इसका यूज आता है, इस चार्ट को याद रखें। आपको एक चीज और, लीटर इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, डेसीमीटर। आपको आगे चल के बहुत जगह यूनिट लीटर लिखी भी मिलेगी या फिर डेसीमीटर लिखी भी मिलेगी। तो डेसीमीटर और लीटर दोनों क्या होता है, वन एंड ऑल सेम ही चीज होती है।
नेक्स्ट पार्ट इज डेंसिटी. डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम. डेंसिटी इज अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम. यानी डेंसिटी की बात करेंगे तो क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी पर मीटर. नेक्स्ट है टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या है? देर आर वॉट थ्री कॉमन स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर को मेजर करने का. तीन कॉमन स्केल है. पहला स्केल क्या है? डिग्री सेल्सियस. दूसरा स्केल क्या है? डिग्री फ़ारेनहाइट. तीसरा स्केल क्या है? केल्विन. इन तीनों स्केल्स में अपन क्या मेजर करते हैं? टेम्परेचर मेजर करते हैं. उसकी एसआई यूनिट क्या है? केल्विन. अब इसमें आपको ये वाला जो कन्वर्जन है ये याद होना चाहिए कि डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू व्हाट? 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32. केल्विन इज इक्वल्स टू व्हाट? डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15. इस ये वाले फॉर्मूलेस के ऊपर आपको काफी सारे कन्वर्जन क्वेश्चंस बेसिक वाले जो मिलेंगे. फॉर एग्जांपल अपन कुछ कन्वर्जन क्वेश्चंस कर करके देखें. मैं आपको अगर बोलूं कि कन्वर्ट 37 डिग्री सेल्सियस टू व्हाट? डिग्री फ़ारेनहाइट. कैसे कन्वर्ट करोगे? तो डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32. क्या आ जाएगा? 9/5 इंटू 37 प्लस 32. कैसे करेंगे इसको? 5 1s are 5, 5 7s are 35, and 5 4s are 20. 7.4. 7.4 into 9 कितना हो जाएगा? 9 4s are 30. तो इसको आप कैलकुलेट कर ले, क्या आंसर आप निकाल लोगे. फाइनल आंसर आ जाएगा 98.2. ये क्या होगा? फ़ारेनहाइट. देखो डिग्री सेल्सियस बड़ा है कि फ़ारेनहाइट बड़ा है? आप कभी डॉक्टर के पास जाते हो, आपको फीवर होता है, डॉक्टर बोलता है यू हैव अ फीवर ऑफ व्हाट? कितने डिग्री का बुखार है आपको? 102 डिग्रीज का फीवर है. तो वो जो 102 डिग्रीज है वो किस में होता है? सेल्सियस में कि फ़ारेनहाइट में? वो 102 डिग्रीज है फ़ारेनहाइट. किस में है? वो 102 डिग्री सेल्सियस किस में है? फ़ारेनहाइट के अंदर. काम बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जांपल मैंने बोला आप सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट कर लो. मैंने बोला आप कन्वर्ट करो 25 डिग्री सेल्सियस इन व्हाट? केल्विन. क्या फॉर्मूला है इसमें? केल्विन इज इक्वल्स टू व्हाट? 273.15 कितना आ जाएगा? 273.15 प्लस 25. आंसर कितना आएगा? 298.15 केल्विन. तो 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब 298.15 केल्विन. ना क्लियर? इस तरीके से मैं अभी कुछ और क्वेश्चंस एज होमवर्क यहाँ लिख दिया, ट्राई कर लेना. अच्छा कभी अगर मुझे क्या है, मुझे फ़ारेनहाइट से केल्विन में जाना है तो क्या करूंगा मैं? पहले फ़ारेनहाइट से आप किसमें कन्वर्ट कर लो. अच्छा फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना है तो रिवर्स कर लेंगे.
और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट या सेल्सियस से केल्विन में कर लेंगे। फ़ारेनहाइट से मुझे अगर केल्विन में जाना है, फ़ारेनहाइट से हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेल्सियस में, फिर सेल्सियस से किस में कन्वर्ट करेंगे, केल्विन में। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ लिख दे रहा हूँ, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट टू वॉट डिग्री सेल्सियस। फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेंगे, थर्टी डिग्री सेल्सियस व्हाट डिग्री टू केल्विन टू 73 केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। ये सारी कन्वर्जन आप कर लेते, क्लियर? नेक्स्ट ऐसा यूनिट आपका है प्रेशर। प्रेशर का यूनिट बेसिकली होता है प्रेशर इज इक्वल्स टू व्हाट, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है पहले तो आपको पता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट, अब फोर्स क्या है, फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, मास इनटू एक्सीलरेशन, एमए। तो फोर्स का फाइनली एक यूनिट बनाया गया था, उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो बेसिकली प्रेशर क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। तो फोर्स का यूनिट बेसिकली हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर क्या हो जाएगा, पास्कल। बट जनरली अपन जो यूनिट यूज करते हैं वो क्या है, एटमोस्फियर है, दैट इज व्हाट, एटमोस्फियरिक प्रेशर। तो जनरली एटमोस्फियर एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर इज यूज इन केमिस्ट्री एंड समटाइम्स अदर यूनिट आर आल्सो। जो जनरल मैथ्स केमिस्ट्री में अपन जो मैक्सिमम टाइम्स यूनिट यूज करेंगे वो क्या होगा, एटमोस्फियर होगा। प्रेशर का कन्वर्जन देख लेते हैं। अब 1 एटमोस्फियर का मतलब कितना बार होता है, 1 एटमोस्फियर इज इक्वल्स टू 1.01325 बार, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 बार। सारे कन्वर्स देखो इसमें किसमें दिए, एटमोसफियर में दिए। रीजन इसके पीछे क्या है कि अपने को जो क्वेश्चन है वो हमेशा एटमोसफियर में सॉल्व करना है। 1 एटमोसफियर को अगर मैं mmHg में देखूँ कितना होगा, 760.760 mmHg। 1 एटमोसफियर को अगर मैं टॉर में देखूँ तो क्या होगा, 760 टॉर। 1 एटमोसफियर को अगर मैं पास्कल में देखूँ तो क्या आ जाएगा, 10^5 पास्कल। बेसिकली ये होता है 1.01325 × 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। ये चीजें क्लियर है? ना समझ में आ रही, ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो आज का लेक्चर इस पे स्टॉप करते हैं, इसमें और भी बातें, इसके आगे की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इज इट क्लियर? थैंक यू।